हेलो एवरीवन तो वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाई ए के तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली पी ब्लॉक के बारे में और यहाँ बेटा पी ब्लॉक के बारे में हमने आज बात करने वाले जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख देखिए देख पा रहे हो आप यहाँ मैंने स्लाइड में जो देखा रहा हूँ वो है केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हमने बात किया यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज का बेटा तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हमने लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज आज इस वीडियो में हम केमिकल प्रोपर्टी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप मेरा चैनल में प्ले में जाओगे तो प्ले में आपको देखोगे आप देखोगे देखो तो यहाँ ऑलरेडी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ के पाँच वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी पार्ट वन पार्ट टू करके जो पी ब्लॉक है पी ब्लॉक है इनका टोटल फाइव वीडियोस बना हुआ है फाइव वीडियोस बना हुआ है तो आज हम उस बात करने वाले केमिकल वीडियो में तो ये हमारा पी ब्लॉक का पार्ट नंबर सिक्स होने वाला है पार्ट नंबर क्या होने वाला है सिक्स होने वाला है और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं मेनली केमिकल प्रोडिक्स के बारे में जो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ देखा दिया है ना केमिकल प्रोटिक्स तो मैं केमिकल प्रोडिक्स पढ़ाने से पहले बेटा थोड़ा बात आपसे कर लेता हूँ वो तो क्या बात कर लेता हूँ सुनना ठीक से ये बात है हमने अब ये जो पी ब्लॉक हमने शुरू किया था अगर आपने पहले से जितना भी हमने पार्ट फाइव तक बात किया उसमें अगर देखोगे तो पी ब्लॉक का मेरा कुछ खूबसूरती था इसमें मेरा पी ब्लॉक का क्या था खूब खूब खुश क्या था खूबसूरती हमने पी ब्लॉक का हर एक पार्ट का हमने क्या किया देखो हमने क्या किया हमने जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है मान लो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी मान लो वो मान लो ग्रुप थर्टीन का है हमने सारे प्रॉपर्टी एक साथ एक्सप्लेन किया बेटा जिसके अगर मान लो थर्टीन ग्रुप मैंने ग्रुप में क्या कितना ले रहा लूँ ग्रुप थर्टीन ले रहा हूँ कितना ले रहा हूँ ग्रुप थर्टीन या फिर ग्रुप फोर्टीन या फिर ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन या फिर क्या ले लूँ मैं एट्टी ले लूँ कुछ भी मैं ग्रुप ले लूँ कोई भी ग्रुप ले लूँ मैं तो इन सारे ग्रुप का मैंने एक साथ एक साथ मैंने उनका फिजिकल स्टेट उनका क्या फिजिकल स्टेट फिर उनका बेटा ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट फिर उनका एटॉमिक रेडियाई फिर उनका आयनाइजेशन एनर्जी फिर उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है उनका मेटालिक प्रॉपर्टी उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब मैंने एक साथ बात किया है मैंने फिर बोल रहा हूँ आपको फिर मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है जो आपको यूट्यूब में ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो पी ब्लॉक को इस तरह पढ़ाया है बहुत बेहतरीन टीचर है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है लेकिन किसी ने एक साथ कंबाइन करके पी ब्लॉक को नहीं पढ़ाया है जैसे मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ पूरा पी ब्लॉक एक साथ पढ़ाना मतलब थर्टीन टू एटीन मतलब जिसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे थर्टीन का भी फोर्टीन का फिफ्टीन का एक साथ उसी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात की है हमने विद बेस्ट ट्रिक के साथ तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो पहले वन टू फाइव तक देखो फिर आप सिक्स में आ जाओ और इस वीडियो को देखना शुरू करो तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम किसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एक साथ ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन से लेकर एट्टीन तक सारे प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे कैसे हम यहाँ आपको दिखाते हैं तो उससे पहले हम इस पॉइंट को जो हमने अभी आपको बात किया इसको हम क्या करते हैं इसको मिटाते हैं ठीक है तो मैं इसको मिटा देता हूँ इसको मैं जितना हो सके मिटा देता हूँ इसको मैं मिटाता हूँ इसको मैं आपसे मिटा दिया इसको ठीक है इसको मिटा दिया अब क्या मैं केमिकल पॉटी जब बात करने वाला हूँ यहाँ अब देखना केमिकल पॉटीज बात किया है तो सबसे पहले आप ए नंबर में देखो बेटा ए नंबर में हमने बात किया रिएक्शन विद ऑक्सीजन रिएक्शन विद क्या ऑक्सीजन इसका मतलब अब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ आप देखोगे तो ग्रुप थर्टीन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन देखोगे फोर्टीन के साथ देखोगे फिफ्टीन के साथ सिक्सटीन के साथ सेवेंटीन के साथ और बेटा एट्टीन के साथ सब ऑक्सीजन के साथ हम सारे ग्रुप का रिएक्शन यहाँ देख लेंगे अब आपके दिमाग में ये सवाल पूछेगा पहले तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो सवाल कैसे आएगा क्या डायरेक्ट सवाल पूछेगा जो ग्रुप थर्टीन का जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप नीट या फिर जेई देने वाले हो तो ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं कैसा सवाल पूछते हैं सवाल तो ऐसे पूछते हैं जो जो ऑक्साइड बनेगा उनका एसडिक नेचर पूछेगा क्या पूछेगा उसका एसिडिक नेचर क्या पूछेगा उसका ये जो नेचर ऑफ ऑक्साइड पूछेगा क्या पूछेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड है ना और उनका एसिडिक इस पूछेगा नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब कौन सा नेचर बने जैसे कि मैं बोल लूँ आपको जो नेचर ऑफ ऑक्साइड यहाँ बेटा कुछ तरह का होता है कैसे तरह होता है कोई होता है न्यूट्रल क्या होता है बेटा कोई होता है न्यूट्रल ऑक्साइड फिर कोई होता है कैसे कोई होता है आपका एसिडिक क्या होता है एसिडिक नेचर का एसिड नेचर और कुछ एसिड होता है बेसिक नेचर का होता है कुछ ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और कुछ होता है क्या एम्पोटरिक क्या होता है एम्पोटरिक होता है बेटा और कुछ ऐसा होता है जो मिक्स्ड होता है ऑक्साइड क्या होता है मिक्स्ड ऑक्साइड होता है तो इस तरह बहुत तरह का ऑक्साइड हमें हमें मिलेगा तो कौन सा नेचर का होगा कोई ऑक्साइड बन गया तो कौन सा नेचर का होगा वो भी आप यहाँ से सवाल आपको पूछेगा और उसका एसिड रजिस्टेंस भी पूछेगा तो इस तरह टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको बोल सकता है ठीक है अब हम यहाँ आते हैं आपको इतना समझ में आ गया मैं मान लेता हूँ आपको इतना समझ में आ गया अगर समझ में इतना आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं जो ग्रुप थर्टीन के साथ रिएक्शन कैसे होगा ठीक है ग्रुप थर्टीन के साथ रिएक्शन कैसे होगा आप देखना थोड़ा इंतजार करो आप फिर मैं आपको इस बारे में बात कर लेता हूँ अभी ओके देखना अब देखो अब मैंने यहाँ लिखा ग्रुप थर्टीन का क्या लिखा मैंने यहाँ देखो अब मैंने यहाँ लिखा आपका ग्रुप थर्टीन का देखो क्या लिखा मैंने ग्रुप थर्टीन का देखो ग्रुप थर्टीन का जो एलिमेंट है वो कौन है आप जानते हो बोरॉन एलुमिनियम गेलियम इंडियम में बेहतर बेटा क्या है थेलियम है ना अब इन सब के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे इन सब के साथ किसका रिएक्शन कराओगे बेटा ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो देखना ऑक्सीजन रिएशन कराओगे तो थोड़ा आपने हीट कर दिया आपने तो, तो क्या बनेगा ये सब क्या बनाएगा ट्राई ऑक्साइड बनेगा क्या बनेगा ट्राई ऑक्साइड जिसकी मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ आपको बोरोन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन ऑक्सीजन का रिएक्शन ओ टू का तो ये बनेगा कैसे देखो ये बोरोन ग्रुप थर्टिन का है तो ये लिख दो बी और ये लिख दो ओ तो बेटा ये थर्टिन का तो इसका ऑक्शन प्लस थ्री और इसका माइनस टू क्यों ऑक्साइड होता है तो इसका देखो इसका थ्री और इसका टू तो इसका चार्ज इसके पास दे देना और इसका चार्ज इसके पास देना तो क्या बनेगा बी टू ओ थ्री बोरोन ट्राई क्या बनेगा बोरोन तो सेम तरीके से बेटा सेम तरीके से बाकी जो ऑक्साइड है सॉरी एलिमेंट है ग्रुप थर्ड वो भी सेम तरीके से ऑक्साइड बनाएगा ये ठीक है ना बाकी तरीके सेम से अब हमारा सवाल क्या होगा जो तो अगर बोरोन है तो सर बी टू ओ थ्री बनाएगा मैं लिखता हूँ यहाँ क्या लिखता हूँ बेटा अगर बोरोन है तो बनाएगा बी टू ओ थ्री अगर एल्यूमिनियम है तो बनाएगा ए एल टू ओ थ्री अगर आपके पास गैलियम है बेटा तो गैलियम के बना जी टू ओ थ्री अगर आपके पास इंडियम है तो आई एन टू ओ थ्री बनाएगा और आपके पास अगर थैलीम है तो क्या बनेगा टी एल टू ओ थ्री भी बनाएगा अब इनमें से आपको सवाल पूछेगा इनमें से क्या सवाल पूछेगा इनमें से याद रखना भूलना मत ये जो पहला वाला है एसिडिक है पहला वाला क्या है एसिडिक है क्यों एसिडिक है क्योंकि जो बोरोन है बोरोन है ये जो बोरन है ये होता है नॉन मेटल क्या होता है एक नॉन मेटल क्या अकॉर्डिंग टू एन नॉन मेटल क्या होता है नॉन मेटल होता है तो बेटा याद रखना नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है क्या होता है मैं लिख दूँ यहाँ देखो यहाँ मैं लिखता हूँ नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है बेटा नॉन यहाँ एन हो गया ये एन होगा नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे होता है एसिडिक नेचर का कैसा होता है बेटा एसिडिक नेचर का होता है लेकिन अगर का मेटल का बोलूँ मेटल का बोलूँ बेटा मेटल का ऑक्साइड होता है क्या बेसिक का कैसा नेचर ने का होता है बेसिक याद रखना एम कैसे याद रखना एम बी आप बी ना एम होता है

लास्ट में कौन है देखो इंडियम और थेलियम इनका हमेशा क्या हो जाएगा बेसिक क्या होगा ये बेसिक तो आपने आपने क्या सीखा आपने सीखा जो ऊपर से अगर नीचे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करेंगे तो याद रखना मेटलिक करेक्टर इंक्रीज करता है बेटा मेटल करेक्टर क्या करता है इंक्रीज करता है अगर मेटलिक करेक्टर इंक्रीज़ किया तो बेसिक नेचर भी क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा क्योंकि जितना अच्छा भल अच्छा मेटल होगा जितना भला मेटल होगा उतना क्या होगा उतना वो अच्छा बेसिक नेचर का कहलाएगा तो हमारे साथ मेरे साथ बोलना अच्छा मेटल तो अच्छा बेसिक नेचर का अच्छा मेटल तो अच्छा क्या बेसिक ही नेचर होगा ऐसा हुआ तो अगर बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं ऐसिक नेचर क्या होगा डिक्रीज करेगा है ना तो पहले वाला जो है अगर आपने यहाँ सवाल कर लिया किसी ने तो ये जो सारे है इनमें से सारे जो है बोरोन में इनमें से कौन सबसे अच्छा एसिडिक ऑक्साइड है तो पहला वाला सबसे अच्छा हो एसिडिक और लास्ट वाला सबसे अच्छा बेसिक सबसे अच्छा क्या बेसिक तो बोल पाओगे एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है एसिडिक में क्या कर रहा है डिक्रीज और बेसिक नेचर क्या कर रहा है बेटा इंक्रीज क्या कर रहा है बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है ठीक है आई होप इतना आपको समझ में आ हो गए और मैं कुछ बातें कर लेता हूँ इसीलिए मैं इसको भी अगर आपने हो गया तो इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से देखना इसको भी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ मिटा देता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपको इसको मिटाने से शायद नहीं होगे क्योंकि ये आपने पढ़ लिया और हाँ एक बात मैं और यहाँ कर लेता हूँ आपसे ये जो आपको मैंने आपको जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अगर नहीं मिला तो मुझे आप इस नंबर पे भी टेक्स्ट कर सकते हो ताकि आपको ये नोट्स मैं सेंड कर सकूँ ये नंबर में भी आप टेक्स्ट कर सकते हो मुझे किसी भी तरह का नोट्स के लिए ठीक थी। है क्लियर हो गया बात आपसे आप आओ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला बात करने से पहले थोड़ा और मैं इसमें इसको मिटा देता हूं चलो तो ठीक है तो इतना हो गया आपसे अब हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखेंगे क्या इंपॉर्टेंट याद रखेंगे की पॉइंट्स की पॉइंट्स हम याद रखेंगे क्या क्या यहाँ याद रखना ये जो थैलियम है ग्रुप थर्टीन का थैलीम है ये ये ऑक्साइड भी बनाता है मोनोऑक्साइड बनाता है टी एल टू ओ टी एल टू ओ क्या बनाता है ओ बनाता है अब आपका दिमाग में आकर सर ऐसा क्यों बनाता है बेटा क्योंकि जो थैलीम है वो प्लस वन भी शो करता है ड्यू टू इनर्ट इनार्टपेड इफेक्ट अगर आपने इनार्डपेड में नहीं जानते हो आपको इनर्ट इनार्टपैड इफेक्ट हम यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा दिया हो ठीक है तो आप ग्रुप वाई लेक्चर नंबर वन से लेकर फाइव तक देखोगे तो वहाँ आपको इनर्ट इनार्टपैड इफेक्ट क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया इनर्ट पैर क्या होता है इफेक्ट होता है इनर्ट पैट इफेक्ट के लिए थेलियम प्लस वन ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसीलिए इसीलिए क्या करता है ये ऑक्साइड भी बनाता है तो थेलीम थेलीलियम इज द ओनली एलिमेंट हुई फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड इन एन रिएक्टिड ऑक्सीजन तो पहले बनाता है टी एल टी एल टू ओ थ्री और एक बनाता है टी एल टू ओ ये होता है थेलियम ट्राईक्साइड और मोनोऑक्साइड लेकिन अगर हम बोले कौन सा ज्यादा स्टेबल बेटा तो ये ज्यादा स्टेबल है क्यों क्योंकि थेलियम का प्लस ज्यादा स्टेबल है थ्री तो क्या, क्या रीजन है इसका ड्यू टू इनर्ट पेयर क्या इफेक्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर क्या इफेक्ट ठीक है तो मैंने यही बात यहाँ आपको एक्सप्लेन किया है देखना इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ड्यू टू थेलियम इज मोर स्टेबल इन प्लस वन ड्यू टू इफेक्ट इसलिए क्या करता है बेटा थेलियम प्लस वन में थेलियम ऑक्साइड भी बनाता है ओके तो आगे मूव करते हैं तो ग्रुप थर्टीन के साथ रिएक्शन हो गया आप आ जाओ ग्रुप फोर्टीन के साथ इसके साथ बेटा ग्रुप फोर्टीन तो जो मैं यहाँ बोलने वाला हूँ आप देख ये मैं लिख रहा हूँ ग्रुप फोरटीन का एलिमेंट अब मान लो कौन कौन है आप दिखाई दे रहा है ग्रुप फोर्टीन का एलिमेंट कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेर आप जानते हो इसका निमोनिक याद करने का अगर नहीं जानते तो सुन लेना सीता जी सुनो सुने, कहे जी सुने ना? इसका अगर हमने ग्रुप फोर्टीन का जो एलिमेंट है उनको हमने एम मान लिया क्या मान लिया एम उनके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दिया तो ये दो तरह का ऑक्सीजन बनाता है कितना तरह का दो तरह का पहला वाला है एमओ टाइप्स का और सेकेंड वाला है बेटा एम ओ टू टाइप्स का ऐसा कहें क्योंकि जब एम ओ टू बनाएगा ये होगा मोनोऑक्साइड और ये होगा डाई देखो यहाँ एम का ऑक्सीजन कितना प्लस टू इसका माइनस टू ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हमेशा माइनस टू और यहाँ इसका कितना प्लस फोर है कितना बेटा प्लस फोर है ओके प्लस फोर है अब तो ये होगा मोनोक्साइड और ये होगा क्या डाई ऑक्साइड क्या होगा डाई ऑक्साइड तो अगर हम बोले तो अगर बोले तो इनमें से इसका यहाँ प्लस फोर ज्यादा है प्लस फोर मतलब तो इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका एसिड रिजल्ट ज्यादा होगा अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों में एसिड रिज कौन ज्यादा है तो ये डाइऑक्साइड ज्यादा एसिड है एज कंपेयर टू क्या मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड इज मोर एसिड देन मोनोक्साइड ठीक है अब आओ मैंने बता दिया ये मोनोक्साइड बनाएगा डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनेगा तो हमने बताया यहाँ मोनाऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा बेटा डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनाएगा अब देखो एसिड रिजल्ट किसका ज्यादा मोनोक्साइड का ज्यादा डाई अब आप एम का वैल्यू पुट करते दो देखो पहले अगर एम का वैल्यू अपने पुट कर दे तो क्या हुआ कार्बन कार्बनऑक्साइड फिर सिलिकॉन मोनऑक्साइड फिर जर्मेनियम फिर तीन फिर लेट मोनोऑक्साइड ओके अब अगर आपने दो पुट कर दिया मतलब एम का वैल्यू यहाँ भी पुट कर दिया तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जर्मेनियम डाइऑक्साइड तीन डाइऑक्साइड और लेट डाइऑक्साइड लेकिन आपको याद कैसे करना है ये देखो ये जो कार्बन मोनऑक्साइड है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है न्यूट्रल ऑक्साइड न्यूट्रल होता है आपका सिलेबस में तीन ऑक्साइड जो न्यूट्रल है एक तो सी ओ एक तो एनओ और एक बेटा एन टू ये तीनों है जो आपका सिलेबस में न्यूट्रल ऑक्साइड है कैसा है न्यूट्रल ऑक्साइड क्या न्यूट्रल क्या ऑक्साइड याद कर लेना ये तीनों आपका सिलेबस में है जो न्यूट्रल ऑक्साइड है ओके आपको मैं बात कर लाता हूँ नेक्स्ट वाला ये जो सिलिकॉन मोनोक्साइड है बेटा यहाँ जो सिलिकॉन मोनसाइड ये जो सिलिकॉन एस आई टू है ये ना अनस्टेबल है ये अनस्टेबल है और ये एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है बेटा तो अब यहाँ आ जाओ ये जो जर्मेनियम जी और एस एन इनका मोनोक्साइड हो या फिर इनका डाइऑक्साइड हो देखो यहाँ इसका मोनॉक्साइड और क्या डाइ है डाइऑक्साइड है डाइ है ये हमेशा क्या होगा एम्पोटरिक होगा क्या होगा एम्पोटेरिक क्या होगा एम्पोटेरिक होगा ठीक है अगर आपको एसिडिक एसिडिक नेचर मैं यहाँ आराम से बोल रहा हूँ सुनना ऐसी ऑक्साइड acid, के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए और भी डिटेल्स सर कौन सा एसिडिक होता है कौन सा बेसिक तो अब मेरा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसमें आपको एक बहुत अच्छे से ट्रिक मिलेगा और उसमें आपको दिखाई दिया दिखाई देगा जो कौन सा एसिडिक होगा कौन सा बेसिक होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा तो इसके लिए आप मेरा प्ले में जाना और वहाँ देखना एक वीडियो बना हुआ है जिसका नाम है नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या बना हुआ नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या लिखा हुआ है वीडियो का नाम में नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा नेचर ऑफ या फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाना बेटा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा प्रोवाइड करा दूंगा क्लियर है तो आपको आराम से नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में पता चल जाएगा कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा तो यहाँ देखना तो मैंने क्या बोला लेट ये जो पी बी है बेटा यहाँ पी बी पी बी पी बी और एस एन इनका ऑक्साइड हो मोनोऑक्साइड हमेशा क्या होगा क्या होगा एम्पोर्टेरिक ठीक है अब यहाँ आ जाओ डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जर्मेनियम डाइऑक्साइड ये सब के सब क्या एसिडिक क्या है एसिडिक तो आप जानते हो ग्रुप थर्टीन में जैसा हुआ ऐसा ही यहाँ टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर क्या ज़्यादा होगा अगर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बेसिक ज्यादा होगा तो एसिड एसडीडर क्या होगा कम हो जाएगा ऐसे जो क्या हो कम हो जाएगा आओ फिर नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं नेक्स्ट में आ जाओ यहाँ आ जाओ नेक्स्ट में देखो नेक्स्ट में आपको यहाँ क्या दिया हुआ है यहाँ आपने अभी अभी किया है बेटा अभी अभी किया है ये जो कार्बन है ये क्या बनाता है सी ओ अभी वेट करो देखो क्या बनाता है कार्बन कार्बन बनाता है सी ओ बनाता है कार्बन है ना और क्या बनाता है यहाँ कार्बन सी ओ टू बनाता है ये दोनों ये मोनऑक्साइड और क्या होता है डाइऑक्साइड होता है कार्बन ये दोनों छोड़कर और भी क्या कुछ ऑक्साइड बना सकता है तो हमारा जवाब होगा हाँ सर बना सकता है हाँ बना सकता है क्या क्या बना सकता है ये बनाता है सी थ्री ओ टू और बनाता है सी फाइव ओ टू जिनको हम बोलते हैं सब ऑक्साइड क्या बोलते हैं बेटा सफ ऑक्साइड क्या बोलते हैं सब ऑक्साइड ठीक है ठीके? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है डाइऑक्साइड बनाता है और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑक्साइड बनाता है, है उनमें से क्या बोला मैंने सी थ्री क्या बोला मैंने बोलो ऐसा बोला एक बनाता है सी थ्री ओ टू एक बनाता है सी फाइव ओ टू

लेकिन बोलू एवरेज एवरेज तो क्या होगा एवरेज तो कितना होगा प्लस फोर बाई थ्री कितना हो जाएगा प्लस फोर बाई क्या थ्री क्योंकि टोटल कितना है फोर और टोटल टोटल ऑक्सीजन कितना है प्लस फोर होगा और टोटल आइटम कितना है थ्री तो टोटल ऑक्सीजन नंबर बाई टोटल आइटम तो कितना हो जाएगा प्लस फोर बाई थ्री हो जाएगा लेकिन बेटा अगर मैं बात करूँ इसका 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 बात कर लूँ तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा कैसे होगा यहाँ लिखता हूँ ओ डबल बॉन सी डबल वन सी डबल वन सी डबल वन सी डबल वन सी और लास्ट में फिर से क्या ओ मतलब बीच में कितना ऑक्सीजन होगा कार्बन होगा एक दो तीन चार कितना पाँच तो यहाँ भी सेम कहानी माइनस टू यहाँ भी सेम कहानी माइनस टू यहाँ प्लस टू यहाँ बेटा कितना प्लस टू और बीच वाला तीन का क्या है जीरो जीरो ज़ीरो तो यहाँ अगर मैं ऑक्शन नंबर बोलूँ तो प्लस टू जीरो ज़ीरो ज़ीरो फिर प्लस टू अगर मैं एवरेज करूँ बेटा एवरेज तो क्या हो जाएगा प्लस फोर बाई कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा क्या होगा प्लस फोर बाई फाइव तो मैंने यही आपको यहाँ दिखा दिया यहाँ आपको मैंने यही दिखा दिया ये दोनों दिखा दिया प्लस फोर बाई थ्री और यहाँ क्या प्लस सॉरी फोर बाई थ्री यहाँ प्लस फाइव और कुछ ऑक्साइड बनाता है जैसे कि लेट पी बी आपने बोला पी बी क्या बनेगा पी बी ओ बनाएगा और क्या बनाएगा पी बी ओ टू बनाएगा ये जो लेट है ना लेट ये और भी एक ऑक्साइड बनाता है बेटा क्या बनाता है पी बी थ्री ओ फोर

तो हमने कुछ इस तरह बात यहाँ करने वाले हैं देखो ठीक है कैसे यहाँ मैं बोल दूँ आपको और एक बार जिसकी मान लो यहाँ एफ ई थ्री ओ फोर तो ये क्या है ये दो ऑक्साइड का मिक्सर है कौन सा टू पी बी ओ डोट पी बी ओ टू मतलब दो लेट मोनोक्साइड और दो लेट डाइऑक्साइड का मिक्सर है ये ये मिक्सर है ठीक है तो ये सभी बन सकता है और ये प्रीवियस ईयर सवाल में आया था जो तो यहाँ जो बेटा लेट है कौन है बेटा यहाँ जो लेट है ये जो लेट है ना इसका ऑक्शन कितना है यहाँ प्लस एट बाई कितना थ्री है अगर ए दिया हुआ है तो ये सही है लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो बोलना इसका प्लस टू इसका कितना प्लस फोर अगर ए दिया हुआ है तो यही आंसर तो है अगर ए नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा प्लस टू डॉट प्लस कितना कमा क्या प्लस फोर तो ये मिक्स ऑक्साइड है तो हमने देखा ऑक्साइड क्या होता है दो तरह का होता है किस ग्रुप का कार्बन ग्रुप का है ना तो कार्बन बाकी जो एलिमेंट है वो मोनऑक्साइड बनाता है डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनाता है लेकिन कार्बन साफ ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है मिक्सड ऑक्साइड भी बनाता है और लेड क्या बनाता है सॉरी कार्बन बनाता है साब ऑक्साइड लेकिन लेड क्या बनाता है मिक्सड ऑक्साइड अब याद रखना ये जो डाइऑक्साइड है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लेशियस है बाकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड बाकी जितना भी है सब सॉलिड है ये जो जर्मेनियम बोल रहा हो ये बोल रहे हो ये भी बोल रहे हो ना तीन एस एन ओ टू या फिर क्या पी बी ओ टू ये सब क्या है सोलिड है क्या है सोलिड लेकिन ये कौन है बेटा ये है गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड इज गेस डाइऑक्साइड में से अगर आपको अभी सवाल पूछे तो कौन सा ऑक्साइड है जो कार्ब मतलब कार्बन का जो डाइऑक्साइड है वो क्या है डाइऑक्साइड वाला डाइऑक्साइड जो है वो गेसियस है मोनोऑक्साइड भी गैशियस है लेकिन सिलिकॉन का जितना भी सिलिकॉन जर्मेनियम उन सबका डाइ ऑक्साइड क्या होता है सॉलिड होता है क्या होता है सॉलिड होता है ठीक है अब आओ हम आगे बढ़ते हैं और ग्रुप फिफ्टीन के साथ रिएक्शन देखते हैं और ग्रुप फिफ्टीन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है ओके तो आओ हम बात कर लेते हैं ग्रुप ग्रुप का बेटा तो 15 में कौन है आप जानते हो कौन है नाना पटिकर आसमा सब बिंदास नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सनिक एंटीमोनी अगर इनके साथ हमको इनको ई मान लिया बेटा ई मान लिया तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपसे ई मान लिया इसको आपने ई मान लिया तो E प्लस ओ टू बेटा E प्लस का ओ टू अब E प्लस ओ टू का मतलब इनमें से ये ग्रुप फिफ्टीन का एलिमेंट है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमेशा थ्री तरह का ऑक्साइड बनाता है कितना तरह का बेटा तीन तरह का कैसे मेरे साथ बोलना E2O3 टू ओ थ्री फिर क्या बनाएगा मेनली मेनली बनाएगा E2O4 टू ओ फोर और लास्ट में क्या बनाएगा ई टू बनाएगा तो ये तीन तरह का ऑक्साइड बेटा ये बनाएगा कितना तरह का तीन तरह का

जो ग्रुप फिफ्टीन का एलिमेंट है उसमें उसका ऑक्सीबन प्लस थ्री है यहाँ प्लस फोर है और यहाँ कितना है प्लस फाइव है और जो ग्रुप फिफ्टीन है बेटा ग्रुप फिफ्टीन जो है उनका हाईस्ट ऑक्सीबन प्लास फाइव ही होता है ठीक है तो मैंने यहाँ बोल दिया आपको ट्राईऑक्साइड टेट्राऑक्साइड पेंटाऑक्साइड लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरती यहाँ है तो ये जो नाइट्रोजन है कौन है नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन वो पांच डिफाइन तरह का ऑक्साइड बनाता है देखो सब तीन तरह का बनाता है नाइट्रोजन भी वही बनाता है लेकिन नाइट्रोजन टोटल फाइव टाइप्स का ऑक्साइड बनाता है मतलब दो एक्स्ट्रा बनाता है क्या बनाता है दो एक्स्ट्रा क्या क्या बनाता है तबूर करो देखो देखते हैं नेक्स्ट पेज में आओ देखो देखो नेक्स्ट पेज में अच्छा ये नोट्स मैंने बहुत पहले एडिट किया था तो वहाँ मेरा ऐसा नंबर दिया हुआ था तो वही अभी भी है मैंने उसको एडिट नहीं किया इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है तो मैं आपको इस नोट्स को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इस नोट्स को लेने के लिए ओके आप आओ यहाँ देख लेना देखो ग्रुप फिफ्टीन का जो एलिमेंट है बेटा मैंने यहाँ लिखा कहाँ लिखा मैंने यहाँ लिखा कहाँ लिखा यहाँ मैंने लिखा कहाँ फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोन बीसमा अब नाइट्रोजन का क्या डाइ ट्राईऑक्साइड है टेट्रा है पेंटा है पेंटाइस सबका ट्राईऑक्साइड ऑक्साइड देखो सबका क्या अच्छा ये बेटा ये ये यहाँ थ्री हो जाएगा यहाँ गलती से फाइव हो गया यहाँ थ्री होगा ठीक है तो टेट्रा टेट्रा सबका टेट्रा सबका सबका सॉरी सबका ट्राई सबका क्या ट्राई ऑक्साइड सबका क्या ये ये ट्राई ऑक्साइड और ये सबका क्या टेट्राऑक्साइड, टेट्रा वाला टेट्रा ऑक्साइड है और ये लास्ट पेंटा ऑक्साइड है सबसे इंपॉर्टेंट बात अब देखना पहला वाला में नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्लस वन है लेकिन सेकेंड में प्लस टू है फिर प्लस थ्री है देख पा रहे हो प्लस थ्री है फिर प्लस फोर है और यहाँ क्या है बेटा प्लस फाइव है कितना है यहाँ प्लस फाइव क्या है यहाँ प्लस

द क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का स्टेट अगर ऑक्सीजन में ज्यादा होगा तो मोर उद मोर उदिड मोर क्या होगा विल बी द बोलो क्या एसिडिक नेचर क्या होगा बेटा एसिडिक नेचर क्या होगा ज्यादा होगा मतलब अगर सेंट्रल एटम फिक्स्ड है फिर से क्या बोल रहा हूँ अगर सेंट्रल एटम फिक्स्ड है तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन नंबर होगा सेंट्रल एटम का उतना ज़्यादा उसका तो क्या वायस्डिक नेचर होगा आपको समझ में आया कि नहीं आया उसके लिए आपको अभी मैं एक एग्जाम्पल देकर यहाँ बताता हूँ उसके लिए मैं मुझे ये मिटा देना पड़ेगा है ना मैं मिटा देता हूँ इसको ठीक है अब मैंने मिटा दिया अब देखना यहाँ क्या लिख लिग्राम है बेटा यहाँ देखना आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ एन टू ओ क्या लिख रहा हूँ बेटा एन टू ओ फिर क्या लिग्राम है एन ओ एन ओ फिर क्या लिख रहा हूँ एन टू ओ थ्री अब मैं लिख रहा हूँ एन टू ओ फोर अब मैं लिख रहा हूँ एन टू ओ फाइव अब बोलना यहाँ ऑक्सीमर कितना है प्लस वन है यहाँ कितना है प्लस टू है यहाँ प्लस थ्री है यहाँ कितना है बेटा यहाँ प्लस फोर और यहाँ कितना प्लस फाइव क्या यहाँ एटम सेम है बोलोगे हाँ सर सेम है क्यों यहाँ भी नाइट्रोजन यहाँ भी नाइट्रोजन यहाँ भी नाइट्रोजन यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ भी क्या नाइट्रोजन अगर एटम सेम है तो जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ज्यादा एसडिक होगा इसका मतलब लास्ट वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको ये वाला सबसे ज्यादा क्या है एसडिक है तो ये बोलना मोस्ट एसिडिक है क्या दिमाग में घुसा ये बात हाँ घुस गया ये दिमाग में है ना तो ये ज्यादा एसिडिक है लेकिन ये कौन है ये दोनों मैंने पहले ही आपको बोला था ये है न्यूट्रल कौन सा वाला बेटा न्यूट्रल है क्या है न्यूट्रल ठीक है ना तो पहले वाला न्यूट्रल मतलब उसमें कम है अगर आपको बोल दिया कौन ज्यादा एसिडिक तो वो लास्ट वाला अगर बोले कौन सबसे कम एसिडिक ये भले न्यूट्रल होगा लेकिन अगर बोले कौन सबसे ज्यादा एसिडिक कम एसिडिक तो ये बोलोगे पहला वाला ठीक है ना भले न्यूट्रल है लेकिन आप बोले कंपेयर करने के लिए बोले सुनना कंपेयर करने के लिए बोले तो बोले अरेंज द फ्लोइंग विद प्योर एसिडिक वाटर तो बोलोगे ऐसा होता है ऐसा होता है ओके समझ में आ गया क्लियर हो गया बात इतना आप आओ अगर कभी ऐसा हुआ तो कैसे हुआ ऐसा हुआ बेटा देखो ये है एन टू ओ और यह पी टू और यह है ए एस और ये कौन है ए थ्री और ये कौन है लेट फिर क्या होगा बीस मन बेटा क्या होगा बीस मन बी आई टू वो थ्री अब देखना आप देखना इनका ऑक्सीमर प्लस थ्री इधर भी प्लस थ्री इधर भी प्लस थ्री इधर भी प्लस थ्री और यहाँ भी क्या प्लस थ्री अब सबका ऑक्शन नंबर सेम है। अगर बेटा सेंट्रल एट्रोम अलग अलग है डिफरेंस है और सबका ऑक्शन नंबर सेम है तो याद रखना अगर सेंट्रल एटम क्या है डिफरेंट है क्या है डिफरेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेम है ऑक्सीडेशन क्या है सेम है सेंट्रल आइटम क्या है डिफरेंस फिर बोलना मेरे साथ सेंट्रल आइटम क्या है डिफरेंस लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेम है तो याद रखना एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम किसका अगर सेंट्रल एटम सेम नहीं है डिफरेंस है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो याद रखना एसिडिक नेचर उसका ज्यादा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बोलो सबका ऑक्सीजन स्टेट सेम एलिमेंट डिफरेंस तो इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोन नाइट्रोजन तो इनका एस ज्यादा फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला मैंने यही इस पेज में यही बात किया है बेटा देखना आगे देखना आगे देखो यही मैंने यहाँ बात किया नोट्स में देखो यहाँ नोट्स में जो है वही लिखा हुआ है एमोंग द डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ क्या सेम एलिमेंट डिफरेंट एमंग सेम एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑक्साइड विद हाइर ऑक्सीजन मोर एसिडिक देखना ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक ये सबसे कम तो ये सबसे ये भले न्यूट्रल दोनों अब अगर एमोंग द डिफरेंट ऑक्स एलिमेंट ऑफ सेम ऑक्साइड डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट का क्या सेम ऑक्साइड है तो यहाँ प्लास फाइव सबका प्लास फाइव है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है ज्यादा yeah. इलेक्ट्रॉनिटिव है तो ये ज़्यादा एसिडिक ये कम इलेक्ट्रॉनिक है तो ये सबसे क्या कम एसिडिक और हमने बोला था आपको मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है बेसिक ट्रिक बोला था एम क्या बोला था ट्रिक एम ठीक है उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में ठीक है क्लियर है क्लियर है अब यहाँ देखना या मैंने और एक लाइन नोट्स करके लगा लगा दिया जितना ज़्यादा स्टेप प्लास ऑप्शन में होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप और सेम एसिड स्ट्रेंथ देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द ग्रुप इज सेम एज एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जो जितना अच्छा एसिडिक होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा ठीक उतना ज़्यादा क्या वो स्टेबल होगा आप आ जाओ ग्रुप सिक्सटीन में ग्रुप किस में सिक्सटीन में ग्रुप किस में सिक्सटी में अब ग्रुप सिक्सटीन में कौन है अरे ऑक्सीजन तो है ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्शन कराओ तो कौन है उसको छोड़कर सल्फर सेलेनियम टेलोडियम पोलोडियम ठीक है ना ठीक है सल्फर सेलेनियम टेलोडियम पोलोडियम आप देखो उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो दो तरह का ऑक्सीजन बनेगा एक तो डाई और क्या बनेगा ट्राई ऑक्साइड डाई ऑक्साइड और क्या ट्राई और दोनों ही मेनली क्या होगा एसिडिक दोनों क्या होगा एसिडिक दोनों ही क्या होगा एसिडिक टू से बनाया दोनों एसिडिक होता है ये अब यहाँ याद रखना ये जो बोथ है ये दोनों वाटर में सोलिबल होता है दोनों क्या होता है एसिडिक नेचर दोनों वाटर में सोलिबल दोनों एसिडिक क्या होता है नेचर होता है जैसे कि मैंने अब आगे अगर आपको लेकर जाऊँ तो अगर, अगर आपने यहाँ इसका जे मान लिया इसको जे का वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा एस ओ टू एस ओ टू फिर क्या एस टू ओ टू टी ओ टू फिर पी ओ ओ टू अब एस ओ टू क्या होता है ये ओनली गेसिया से और बाकी जितना भी ये क्या है सॉलिड है अब ये क्या होता है ये दोनों क्या होता है एसिडिक दोनों क्या होता है मेनली एसिडिक और बाकी दोनों वाला क्या है एम्पोटेरिक क्या है टेलियम और प्लोडियम का क्या होता है एम्पोटेरिक होता है अब इनका स्ट्रक्चर जो मैं बनाया हुआ है यहाँ देखो इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी मान लो अब जे ओ टू का स्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर किसका जे ओ थ्री का एक्साइड बनाया है तो इसका आपको पहले हाइब्रेशन है, आना चाहिए क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन है, क्या कहना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हाइब्रेशन आता है आपको तो अच्छा है अगर नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग से आपको हाइब्रेशन पता होना चाहिए कहाँ से केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको नहीं आता है तो फिर मुझे टेक्स्ट करना क्योंकि हाइड्रेशन से मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है एक दूसरा वीडियो मैंने बना है बना के रखा है जी हाँ सिर्फ मैंने किसके बारे में बात किया हाइब्रेशन के बारे में बात किया और हाइब्रेशन जब सिखाया था मैंने बोल दिया कितना पाई बॉन्ड होगा कितना पी पाई पाई बॉन्ड कितना होगा और कितना क्या होगा पी पाई डी पाई देखो क्या पी पाई पाई पी पाई डी पाई हो जाता है बॉन्ड ये जो पाई बॉन्ड होता है ना ये पाई बॉन्ड ये दो तरह का होता है एक तो पी so, पाई डी पाई होता है पी पाई पी पाई और क्या होता है।, तो पाई 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 होता है पी पाई डी पाई और होता है डी पाई डी पाई डी पाई और क्या डी पाई तो तीन तरह का पाई बॉन्ड दि होता है पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई और क्या डी पाई डी पाई होता है तो ये भी हमने सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा के रखा है अगर आपको नहीं आता है तो मुझे टेक्स्ट करना आपसे आराम से ठीक है तो मैं आपको एक हाइब्रेशन का अलग से नोट सेंड करूंगा और वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है जो हब हाँ, हाइब्रेशन कैसे निकालते हैं हम उससे हम कैसे जियोमेट्री निकालते हैं उससे हम कैसे सेब निकालते हैं उससे हम बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं उससे हम लोन पेयर कितना है वो कैसे निकालते हैं उससे हम पी पाई पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं ठीक है तो हमने यहाँ नहीं सिखाया आपको तो आगे बढ़ते हैं हम और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं ये जो ग्रुप सेवनटीन है कौन सा बढ़ रहा ग्रुप सेवनटीन कौन सा बढ़ ग्रुप सेवेंटीन जो है उनके साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन अगर एफ है फ्लोडिन है तो बनाएगा ओ एफ टू और क्या ओ टू एफ टू तो ये फ्लोराइड नहीं है सॉरी ऑक्साइड नहीं है क्यों क्योंकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा क्यों दे रहा है डेल्टा नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा फ्लोरिन का ज्यादा किससे ऑक्सीजन से इसीलिए याद रखना ऑक्सीजन कभी ऑक्साइड नहीं बनाएगा फ्लोडिन के साथ क्या बनाएगा ऑक्सीजन कभी फ्लोडिन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाएगा क्या बनाएगा फ्लोराइड बनाएगा क्या बनाएगा तो मैंने लिख दिया ये ये ऑक्साइड नहीं है ऑक्सीजन है क्या है फ्लोराइड है क्या है फ्लोराइड क्यों क्योंकि याद रखना ये ऑक्सीजन से प्रोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है इसीलिए हम का यूज़ करते हैं रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं लेकिन अगर हम बात करें जिसकी मान लो सी एल टू ओ टू प्रोडीन के साथ तो ये क्या बनाएगा सी एल टू ओ सी एल ओ टू सी एल ओ थ्री सी एल टू ओ सिक्स सी एल टू ओ सेवन ये सब ऑक्साइड कौन बनाता है प्रोटीन ग्रोमिन बी आर टू ओ बी आर ओ टू बी आर टू ओ थ्री आयरन क्या बनाता है आई टू ओ आई टू ओ फोर आई टू ओ फाइव आई टू क्या ओ सेवन ये सब बनाता है इनका भी स्ट्रक्चर इनका भी जितना भी है बेटा यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ दिखाई जो जो दिखाई दे रहा है आपको ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में बात कर लिए हैं कहाँ केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले बेटा केमिकल बॉन्डिंग आपको देखना चाहिए क्यों क्योंकि इनऑर्गेनिक का दो चैप्टर इनऑर्गेनिक का दो चैप्टर आपको आना ही चाहिए एक तो होता है पीरियोडिक टेबल और सेकेंड वाला होता है केमिकल बॉन्डिंग क्या केमिकल ये दोनों चैप्टर बैकबोन है इनऑर्गेनिक का अगर ये दोनों चैप्टर आपको आता है तो मान लो आपको इनऑर्गैनिक आता है अगर ये दोनों चैप्टर नहीं आता है तो आपको इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आता है आपको डब्बा हो इनऑर्गेनिक में ठीक है ना क्लियर है तो ये दोनों चैप्टर में हमने पढ़ा है और हाइब्रेशन से आपको ये सारे बातें हमने कर लिया तो उसी लिए आपको वहाँ जाके आपको देखना पड़ेगा आपको ओके okay, ठीक है ठीक है आप आओ नेक्स्ट में और नेक्स्ट में हमने बात किया जेनोन के इसमें जेनोन में देखो ना देखना ये जो ग्रुप सिक्सटीन है सॉरी एट्टीन है आप बोलो सर एट्टीन में तो नोबेल है लेकिन बेटा जेनोन ऑक्साइड बनाता है ओनली जेनोन ऑक्साइड बनाता है जेनोन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो आप जानते हो कितना तक ऑक्साइड बनाएगा जेनोन ऑक्साइड देखो जेनोन जेनोन ऑक्साइड बनाता है और जेनोन डाइऑक्साइड फिर जेनोन क्या टेट्राऑक्साइड ट्राईऑक्साइड फिर जेरोन क्या बनाता है जेरोन टेट्राऑक्साइड ऑक्साइड बनाता है पेंटाऑक्साइड पेंटाऑक्साइड इस तरह टेन करके बनाता है टेन तक मतलब एक्सी ओ टेन तक बनाता है लेकिन इनमें से इनमें से सिर्फ दो ही स्टेबल है ये दोनों टेट्रा और क्या ट्राई और टेट्रा ये दोनों स्टेबल है और बाकी एक भी स्टेबल नहीं है एक भी स्टेबल बेटा नहीं, नहीं किसी भी बुक में आपको ये नहीं दिखाई देगा ये दोनों ही दिखाई देगा ट्राई ऑक्साइड और टेट्रा ऑक्साइड तो जेरोन दो तरह का ऑक्साइड बनाता है एक तो ट्राई और क्या टेट्रा अब इनसे भी क्या पूछते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं क्या पूछते हैं हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं इनका शेप पूछते हैं इनका लोन पेयर पूछते हैं ठीक है ये सारे पूछते हैं तो ये हम कहाँ पढ़ लेंगे केमिकल बोनिंग किस में पढ़ लेंगे केमिकल तो आज हमने आपको जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है रिएक्शन ऑफ क्या ग्रुप क्या बोलो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट्स जैसे कि थर्टीन फोर्टीन हुआ फिफ्टीन हुआ सिक्सटीन हुआ सेवेंटीन हुआ जो भी है उनके साथ किसका रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन का रिएक्शन तो अगर मैं आपको एक बार रिविशन करा दूँ तो थर्टीन के साथ थर्टीन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन ऑक्सीजन का रिएक्शन फिर फोर्टीन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन फिफ्टीन के साथ फिर सिक्सटीन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन फिर सेवेंटीन के साथ फिर लास्ट में एटीन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन ये सारे इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ ऑक्सीजन इन का रियक्शन और इनके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन अब सबके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो पहला वाला ग्रुप थर्टीन क्या बनाएगा एक ही तरह का ऑक्साइड बनाएगा जिसकी मान लो ई टू ओ थ्री टाइप का ये फोर्टीन वाला क्या बनाएगा बेटा फोर्टीन वाला बनाएगा ई ओ और क्या ई ओ टू बनाएगा दो तरह का फिफ्टीन वाला तीन तरह का जैसे कि ई टू ओ थ्री फिर क्या बनाएगा ई टू ओ फोर फिर क्या बनाएगा ई टू क्या ओ फाइव बनाएगा ये तीन तरह का बनाएगा और याद रखना नाइट्रोजन दो एक्स्ट्रा बनाता है क्या बनाता है एन ओ एन टू और क्या एन ओ दोनों का क्या होता न्यूट्रल होता है अगर सिक्सटीन का बात करूँ बेटा तो दो तरह का क्या बनाया गया दो तरह का एक तो बना ई और एक बनाता है ई ये ई को मैंने क्या मान लिया ये कोई भी ग्रुप का एलिमेंट मान लिया सेवनटीन का बेटा सेवेंटीन का कोई फिक्स नहीं है सेवन का बहुत तरह का बनाता है और उसका क्या पूछते हैं ज्योमेट्री शेप ठीक है ना बाकी वगैरह हम केमिकल बॉन्डिंग से भी कर सकते हैं और ग्रुप एट्टीन का जेनोन इज द ओनली एलिमेंट हुई फॉर्म ऑक्साइड जेनोन ट्राई एंड जेनोन टेट्रा और बाकी सब नहीं करता है जर उनका ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उनका शेप उनका ज्योमेट्री एंड उनका क्या हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है बेटा ठीक है इतना समझ में आ गया आपको अगर इतना समझ में आ गया तो हमने ऑक्साइड के बारे में आप इस वीडियो लेक्चर में बात पूरा कर लिया किसके बारे में बात कर लिया हमने ऑक्साइड के बारे में ठीक है किसके बारे में बात किया हमने ऑक्साइड के बारे में हमने बात कर लिया ठीक है ओके okay. तो हमने आप ऑक्साइड के बारे में बात किया अब नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट तो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड नेचर ऑफ क्या ऑक्साइड मेनली कौन सा ऑक्साइड का मेनली कौन सा ऑक्साइड का बात करेंगे नाइट्रोजन का ऑक्साइड का नाइट्रोजन का ऑक्साइड के बारे में मेनली बात करने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो नंबर लेक्चर नंबर सेवन होगा तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ठीक है तो आज इतना ही ओके कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे फिर बोलो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल गाइड के लिए और अभी हमने एके के क्लासेज नाम के क्लासेज चलाते हैं उसमें आपको पी और पी सी बी पी सी एम एंड पी सी बी दोनों ग्रुप का हमें टीचर मिलेगा आपको आप ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ओके तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स ए लॉट